पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की नवगठित कार्यकारिणी का स्वागत समारोह भाजपा महिला मोर्चा की महानगर सोशल मीडिया प्रभारी बनी खुशालपुर निवासी दीपा गुप्ता के आवास पर किया गया। स्वागत समारोह में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शैफाली चौहान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की महानगर संयोजिका अल्पना रितेश गुप्ता, भाजपा महिला मोर्चा महानगर की अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त रूप से उपस्थित रही। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय मंत्री रहीम अदालता शर्मा के द्वारा की गई। आयोजित कार्यक्रम में सभी नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दी गयी, साथ ही सभी का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर सभी ने अपने विचार भी प्रस्तुत किए और सभी ने कहा कि 2022 के चुनाव में भाजपा को जीत दिलाने के लिए हम सभी को अभी से एकजुट होकर कार्य करना होगा। साथ ही कहा कि महिलाओं की हिस्सेदारी दिन पे दिन बढ़ रही है और सभी लोगों को एक साथ मिलकर कार्य करना होगा। हमें अपनी ताकत को पहचानना है। आप लोगों के ऊपर एक दायित्व आया है, पार्टी ने आप सबके ऊपर विश्वास किया है। होता क्या है कि महिलाएं इस समय हमारे महिला मोर्चा की है कि बहुत अच्छी बात है कि हमारे महिला मोर्चा में महिलाओं की संख्या ज्यादा है, पद की संख्या कम है। अन्य जगह पद बहुत होते हैं, देने के लिए महिलाएं नहीं है। हमारे पास अगर हम सदस्य भी कह रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ा इस समय गौरवान्वित होने वाला पल है। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का सिपाही बनना ही अपने आप में बहुत बड़ा गर्व का विषय है। मेरे पास प्रदेश का भी पद था, लेकिन मैं हमेशा अपना परिचय संगठन के सिपाही के रूप में बताती थी। कोई मुझसे पूछता था आपका परिचय बहन जी, मैं डॉक्टर शिफाली सिंह संगठन की सिपाही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हमें इस बात को कभी नहीं भूलना है। हम जब संगठन के लिए दिल जान से लड़ते हैं, दिल जान से हम संगठन के साथ लड़ते हैं, तो संगठन आपको देख रहा है। पद हर 5 साल में घूम घूम के आते हैं, आज कोई इधर है कोई उधर है, 5 साल बाद हम उधर होंगे आप इधर होंगे। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर मुझे इतना पद मिल गया इतना नहीं मिला तो कहीं मेरे साथ कोई हुआ। इससे पहले हम जब भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं तो हम एक ही बात कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। ये भारत देश है, यहाँ पुरुषों का भी सम्मान होता है और महिलाओं का भी सम्मान होता है। ये हमारा देश विविध विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का और संस्कृतियों से जुड़ा हुआ देश है। यहाँ पर बहुत ही समस्त जाति और धर्म के लोग रहते हैं, वो ना किसी एक धर्म और जाति से जुड़े हैं, सभी धर्म और जाति का यहाँ मान और सम्मान होता है। यहाँ देवताओं की भी पूजा होती है और देवियों की भी पूजा की जाती है। महिलाओं की सशक्त और शक्ति का एक उदाहरण मुझे देखने के लिए मिला था। एक सशक्त जो महोत्सव था, एक सशक्त सम्मान समारोह था, वहां पर एक महिला मुझे मिली थी। मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों मौजूद हैं, तब उन्होंने कहा कि मैं मंच पर, जब कभी आप जाएं अपने मंच पर और मेरा जो मेरा इंट्रोडक्शन दें तो वो इस रूप में दीजिएगा कि मैं वो महिला हूँ जिसने अपनी बेटी की हत्या करने की कोशिश की थी। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी बेटी, कोई भी माँ अपनी बेटी की हत्या कैसे कर सकती है। तब उन्होंने मुझे बताया कि उनके पहले से 3 बेटियाँ थी, चौथी बार वो गर्भवती हुई थी। तब उनके पति ने कहा था कि अगर आपके बेटा हो तो घर वापिस आना, बेटी हो तो घर वापिस मत आना। तो उन्होंने कहा था ठीक है, क्योंकि वो एक नारी थी। इत्तेफाक से उनकी एक बेटी हुई, 3 दिन तक अस्पताल के अंदर कोई नहीं आया। चौथे दिन उनका खुद का सगा भाई आया, उसने कहा जीजा जी ने कहा है कि बेटी को समाप्त कर दो तो घर आना, वरना घर पर नहीं आना। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा में भी बहुत सारी बहनों की नियुक्तियाँ हुई बाकी हैं, तो सबसे थोड़ा अपने पल का अपनी बारी का इंतजार करें। सभी के लिए मैं जो आगे आने वाली हैं और जो अब तक आ चुकी हैं संगठन में, मैं सिर्फ एक ही मंत्र देना चाहूँगी कि कामयाबी जिंदगी में एक बार खुशखबरी जरूर दरवाजा खटखटाती है। भाग्यवान वो लोग होते हैं जो दरवाजा खोल देते हैं, और जो आलसी होते हैं वो उसको नहीं समझ पाते हैं। तो आपको आलसी नहीं बनना है, आपको वो भाग्यवान बनना है, उस कामयाबी को उस सौभाग्य को अपने पकड़ के रखना है
और पकड़ के एक ऐसा मंच, एक ऐसा आपको रास्ता मिला है जहाँ आप अपनी मंजिल की, स्वयं अपनी इमारत को बना सकती हैं। आप जितना आगे जाना चाहें कोई आपको रोक नहीं सकता। तो एक बार अपने आप को यहाँ पे साबित जरूर करके दिखाना कि आप विजयलक्ष्मी पंडित के चुने हुए हीरे हैं। हीरे हैं तो ये हीरे ही रहें और चमकते रहें। भी आने वाले इलेक्शन है, एक नहीं कई सारे हमको लड़ने हैं। सभी इलेक्शन एक से एक अच्छी पोजीशन में लड़ी। और अभी हमारी जैसे बहन जी बोल के गई थी कि मेहनत इतनी गहराई से करनी है, पर डे करनी है, समर्पित करनी है कि कोई सामने वाला पर्चा भरने को तैयार ही ना हो कि ये भाजपा की महिलाएं जीतने तो देंगी नहीं, इसलिए भरो ही मत। तो इसी के साथ मैं सभी का यहाँ पे पुनः हार्दिक स्वागत बंधन आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग इतनी दूर दूर से यहाँ आके पधारे। साथ में हमारी संचालिका महोदय के भी बहुत बहुत आभार। और हमारे लिए यहाँ से इतनी दूर से हम सब बहनों की व्यवस्था की, ऐसी हमारी सोशल मीडिया प्रभारी दीपा गुप्ता बहन जी का और उनके पति महोदय का भी मैं हृदय से समस्त महिला मोर्चा की ओर से हार्दिक वंदन, अभिनंदन और आभार व्यक्त। इस अवसर पर कार्यक्रम की आयोजक भाजपा महिला मोर्चा की महानगर सोशल मीडिया प्रभारी बनी दीपा गुप्ता ने कहा कि सभी का स्वागत किया गया है और जो नई कार्यकारिणी है उसका सम्मान हुआ है। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगता है जब महिलाओं की भागीदारी हर दिन बढ़ती हुई नजर आती है। श्रीमती मदालसा शर्मा जी, और आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में, मतलब जिनके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया गया है, महानगर की महानगर अध्यक्ष डॉक्टर विजयलक्ष्मी पंडित जी, सर्वप्रथम मैं उनको बधाई दूंगी और उनकी सारी टीम को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छी टीम बनाई है और आप सब लोगों को का ध्यान रखते हुए, उनका साथ देते हुए महानगर में विजय का बिगुल बजाना है। सबसे पहले हमारी ही सीट यहाँ से अच्छे मतों से आनी चाहिए। पहली न्यूज हमारी उसमें टीवी पर वही होनी चाहिए। तो मैं आप सब लोगों को बधाई देती हूँ, सर्वप्रथम सभी महिलाओं को और डॉक्टर विजयलक्ष्मी पंडित को, कि उनकी बहुत अच्छी टीम है, बहुत कर्मठ महिलाएं हैं, सभी पुरानी हैं, सब देखी हुई हैं, हम जानते हैं, सब अच्छे परिवारों से और बहुत अच्छी महिलाएं जोड़ी गई हैं जो कि एक अकेली 100 के बराबर है, कई कई संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। जी, आज मैंने नई कार्यकारिणी महिला मोर्चा की घोषित की हुई है कल, जिनके सम्मान समारोह मैंने अपने घर पर रखा, जिसमें डॉक्टर शेफाली सिंह और अल्पना रितेश गुप्ता और डॉक्टर विजय लक्ष्मी पंडित जी जो हमारी महानगर अध्यक्ष बनी हैं, और आदरणीय मदालसा शर्मा जी जो महिला मोर्चा में बहुत टाइम से, बहुत समय से कार्य करती आई हैं, उन सभी का आज हमने सम्मान समारोह रखा है। क्या उम्मीदें रहेंगी नई कार्यकारिणी से, आपको भी इसमें जिम्मेदारी मिली है, कैसे काम करेंगे? जी, मैं महानगर में मीडिया प्रभारी की मुझे पद से सुशोभित किया जा रहा है। तो मैं यही चाहूँगी कि आज जो महिलाएं घर में रह के कार्य करती थी वो बाहर निकल के महिला सशक्तिकरण का जो मिसाल पेश करें। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।